दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक खीरा के खेती में लेके चलूँगा और कैसा खीरा हुआ है, कैसा कुछ है अंदर से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये खीरा का खेती है। देखते हैं अंदर से कैसे दिखते हैं, कैसे फले सब कुछ। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए, अच्छा हुआ है, अच्छा फलन हुआ है। ये लगभग 8 से 10, 10-11 बार हार्वेस्टिंग हो चुका है ऑलरेडी। फिर भी देखिए, फिर भी जो अभी खीरा है, और भी 5-7 बार तो हो जाएगा हार्वेस्टिंग अच्छे से। देखते हैं इसका वेट से बेस्ट डिस्टेंस क्या है, कैसा कुछ है, सब कुछ बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। पहले आपको खीरा दिखाता हूँ, बाद में फिर दूसरी बात करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ खीरा ही खीरा है। ये मेरा ही खेत है, मैंने सिर्फ इस बार नहीं, मैं बहुत साल से कर रहा हूँ ये खीरा का खेती। तो मैंने वीडियो कभी नहीं बनाया खीरा का, ना फुल वीडियो, वही शॉर्ट डालता हूँ। तो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों का खेत जो है। यहाँ पे मेरा सिर्फ आधा बीघा है, ज़्यादा नहीं है। आधा बीघा का अभी तोराई चल रहा है, और भी है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, यही के दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए, बस खीरा ही खीरा का साइज देखिए। ये है आपका सेमिनिज मालिनी है। अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है सेमिनिज मालिनी का। और दूसरा भी है, वो भी अच्छा है, ये भी बुरा नहीं है, अच्छा है। ये देखिए, ठीक है। मैं जब से हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, उस टाइम 35 रुपया था, 35 का किया, उसके बाद फिर 30 हुआ, अभी 28 चल रहा है, 25 भी है, थोड़ा कम भी है क्वालिटी के अनुसार। अगर अच्छा क्वालिटी है तो 25-28 अभी भी मिल रहा है। हम मार्केट में नहीं बिकते, हम वो जो सेलर है ना, उसको उसको दे देते हैं। वो बाहर कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग बस दे देते हैं, गाड़ी लोड करके लेके दे देते हैं बस। वो लोग कहाँ बेचना है, क्या करना है करो, हम लोगों को बस पैसा दो बस। ये देखिए, भैया इसको सोइंग कब किए थे? ये देखिए, ये जो एक बेड से दूसरे बेड का डिस्टेंस है आपका लगभग 3 फीट है, ठीक है। और एक पौधा से दूसरे पौधा का डिस्टेंस वही लगभग 1 फीट है, 1 फीट है। यहाँ पे मालचिंग इस्तेमाल किया हूँ मैं, ड्रिप नहीं है लेकिन मालचिंग है। वो मैं ढाला, मैं फ्लोर इरिगेशन में पानी डाल देता हूँ, मेरा तो ड्रिप नहीं है इस खेत में। तो जब मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ, यूरिया, पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे बोरोन, जिंक, कॉपर हो गया, इसके ये जो मालचिन है, मालचिन के अंदर में